फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल के फॉर क्रिएशंस। टुडे इज़ माई फर्स्ट वीडियो और आप सबका मेरे चैनल के फॉर क्रिएशंस पे बहुत 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 स्वागत है। सो क्योंकि आज मेरा पहला वीडियो है, सो लेट मी गिव यू ब्रीफ इंट्रो अबाउट माई चैनल। सो बेसिकली मेरा ये जो चैनल है, यहाँ आपको बहुत सारे DIY रेमेडीज़ मिलने वाले हैं रिगार्डिंग स्किन केयर, हेयर केयर, होम डेकोर एंड सम बेटर हेल्थ टिप्स फॉर अ बेटर लाइफस्टाइल। सो क्योंकि आज मेरा पहला वीडियो है, सो मैंने सोचा क्यों ना इसकी शुरुआत एक अच्छे डिलीशियस रेसिपी से की जाए, जो कि बहुत ईजी हो, क्विक हो और डिलीशियस हो, जो बहुत कम टाइम में बन जाए और गर्मियों में आपको ज़्यादा किचन में टाइम भी नहीं स्पेंड करना पड़े। सो बहुत कम टाइम में बहुत ही डिलीशियस एंड यम्मी रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है और बहुत क्विकली बनने वाली है। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने जब ये रेसिपी ट्राई की तो आपको कितनी अच्छी लगी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने यहाँ पे 200 ग्राम पनीर और 200 ग्राम मशरूम लिए हैं। मशरूम को मैंने 5 मिनट के लिए बॉईल करके निकाल लिया है। यहाँ पे लिया है एक हरी मिर्च, 6-7 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 8-10 काजू, फ्रेश क्रीम, बटर और धनिया पत्ता। 3 से 4 टमाटर लिए और बड़े बड़े टुकड़ों में काट लें। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक जार में डालें और उनका एक अच्छा सा फाइन पेस्ट तैयार कर लें। हमें जो पेस्ट तैयार करना है वो दरदरा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल फाइन पेस्ट होना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी ऐड करें और इसका एक थिक पेस्ट तैयार कर लें। अभी कढ़ाई गरम करें और उसमें 4 टेबलस्पून ऑयल डालें। तेल गर्म होने के बाद उसमें पनीर के टुकड़े डालें और उन्हें 2 मिनट तक फ्राई करें। पनीर बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इसलिए हम उन्हें धीरे धीरे चलाएंगे ताकि वो टूटे ना। ये देखिए पनीर फ्राई हो चुके हैं, हमें उन्हें बस 2 मिनट के लिए फ्राई करना था, उन्हें बहुत ज़्यादा रेड नहीं करना था वरना पनीर कड़े हो जाते हैं। अब हम सारे पनीर को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम उसी ऑयल में मशरूम्स को डालेंगे और उसे भी बस 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ये रेसिपी इतनी जल्दी और इतनी इजी तरीके से बनेगी कि आपको रेस्टोरेंट में पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मशरूम्स भी फ्राई हो गए हैं, अब उन्हें भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमारे मशरूम और पनीर दोनों फ्राई होकर रेडी हैं। अब हम उसी कढ़ाई में 1 चम्मच बटर ऐड करेंगे। घर पे बनाने का यही एक फ़ायदा होता है कि आप इंग्रेडिएंट्स अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आप यहाँ चाहें तो बटर और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। बटर जब मेल्ट हो जाए तो उसमें 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची डालेंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून जीरा डालेंगे। जीरा जब ब्राउन हो जाए तो उसमें 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई डालेंगे। इसमें बारीक कटा हुआ 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 6-7 लहसुन की कलियां और 2 लाल मिर्च डालेंगे। लहसुन जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसमें 3 बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे। घर की बनाई हुई कोई भी रेसिपी बहुत ही फ्रेश और टेस्टी होती है, इसलिए आप रेस्टोरेंट को अवॉइड करें और खुद से घर पे ही बनाएं, बहुत इजी है। हमें प्याज को बस 2 मिनट के लिए भूनना है, उसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस ट्रांसलूसेंट रखना है ताकि उसमें क्रिस्पीनेस बनी रहे।
देखिए हमने जो पेस्ट तैयार किया था वो ना ज़्यादा गाढ़ा था और ना पतला, इसी तरह का पेस्ट हमें तैयार करना है और फिर हम उसे भी प्याज के साथ भुनेंगे। हमें लगभग 5 से 7 मिनट तक इसे अच्छे से भुनना है जब तक इसमें की साइड से तेल न छोड़ दे। हम इसमें 1/2 टेबल स्पून चीनी ऐड करेंगे ताकि टमाटर के खटास को बैलेंस कर सके। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे ताकि इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाए। यकीन मानिए जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कितनी जल्दी बनती है और टेस्टी इतनी बनेगी कि सब लोग आपकी बहुत तारीफ करेंगे। अब आप इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भुने जब तक इसमें से साइड से तेल न छोड़ दे। ये रेसिपी बहुत ही ईजी है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल फ्लेवर देती है। देखिए मसाला हल्का भुन गया है, बस इसे 1 मिनट और भुनेंगे और फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। सो देखिए मसाला साइड से तेल छोड़ चुका है और पूरी तरह अच्छी तरह से भुन भी चुका है। सो अब हम इसमें पानी डालेंगे ताकि इसकी ग्रेवी बन जाए। पानी हमें इतना ही डालना है जिससे ग्रेवी ना ज़्यादा पतली हो और ना ज़्यादा गाढ़ी, एक सेमी कंसिस्टेंसी की ग्रेवी बने। ग्रेवी के बॉयल होने के बाद अब हम इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे। कस्तूरी मेथी ऐड करने से ये इस डिश को एक अलग ही फ्लेवर देगी, इसके फ्लेवर को और ज़्यादा इन्हेंस भी करेगी। अब हम इसमें फ्राई किए हुए पनीर और मशरूम्स ऐड करेंगे। मशरूम और पनीर दोनों ही प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है और मशरूम में कैलोरीज बहुत ही कम होती हैं। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून बटर ऐड करेंगे। मैंने बटर थोड़ा कम डाला है, आप चाहें तो इसमें और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें मिल्क क्रीम ऐड करेंगे। अगर आपके पास मिल्क क्रीम अवेलेबल नहीं हो तो आप घर की मलाई भी डाल सकते हैं। क्रीम डालने से ये इस रेसिपी को बहुत ही रिच फ्लेवर देगी, साथ ही इसकी ग्रेवी को एक अच्छा टेक्सचर भी देगी। तो हमारी मशरूम पनीर बटर मसाला तैयार है। बस इसमें ऊपर से धनिया पत्ता ऐड करें और गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। तो लग रहा है ना देखने से ये बहुत टेस्टी और यमी, तो प्लीज़ आप इसको ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए। बाउल में सर्व करेंगे और धनिया पत्ते और मिल्क क्रीम से गार्निश करेंगे और हमारी मशरूम पनीर बटर मसाला बिल्कुल तैयार है। सो देखा आपने ये रेसिपी कितनी क्विक और इजी है और टेस्ट का तो पूछिए ही मत, रेस्टोरेंट से भी अमेजिंग टेस्ट देगी आपको। सो प्लीज़ आप इसको ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आई नो सम कैमरा एंगल इश्यूज़ हो गए हैं, मेरे फर्स्ट वीडियो है सो आप समझ सकते हैं, इट्स इनिशियल पीरियड में अभी सीख रही हूँ, बट आई एम डूइंग माई बेस्ट। सो प्लीज़ इग्नोर डैट, आप रेसिपी पे फोकस कीजिए और इसको ट्राई कीजिए और प्लीज़ मुझे बताइए आपको कैसे लगी। और मेरे चैनल के फॉर क्रिएशंस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मुझे बहुत सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और भी अच्छी वीडियोज़ ला सकूँ, इनक्रेज हो सकूँ और आपसे बहुत कुछ शेयर कर सकूँ। सो टेक केयर, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।